Welcome to the Mithila Association Smart Classes on this YouTube channel. And this is my first experience on the YouTube channel. और आज मेरा नाम सबसे पहले यह है कि मुरली कुमार है और मैं मतलब अभी आप लोगों के सामने इस YouTube पे जो है साइंस के एक टॉपिक लेकर के जिसका नाम फिजिक्स है उस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं. और सबसे पहले आज जानकारी देंगे कि साइंस होता क्या है, साइंस के मतलब कहाँ से, साइंस का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले साइंस के कितने भागों में बांटा गया है, साइंस का जो अलग अलग पार्ट है उसका जनक किसको कहा जाता है ना, उसके बारे में और जानकारी सब हम लोग एकत्र करेंगे. जैसे यहाँ पे सबसे पहले साइंस का हिंदी नाम होता है विज्ञान. विज्ञान किसको कहते हैं, साइंस किसको कहते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है ज्ञान. मतलब सिंपल है कि ज्ञान को अर्जन करना ही विज्ञान कहलाता है, चाहे वह एक्सपेरिमेंट से हो, चाहे वह किसी के सामने से सीख करके हो, है ना. किसी भी चीज़ की जानकारी को हम क्या कहते हैं, साइंस की नॉलेज कह सकते हैं. अब साइंस जो है यह कहाँ से आया, तो सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे कि साइंस जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड जो कि साइंसिया से आया है, साइंसिया. और इस साइंसिया का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ की जानकारी देना चाहेंगे कि साइंसिया का अर्थ क्या चीज़ होता है. तो साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज को जानना साइंस कहलाता है. अब अगला है कि कितने प्रकार के साइंस होते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ पे है देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ साइंस. मतलब ये हुआ कि साइंस का मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है. पहला पार्ट जो इसका है वह फिजिक्स है, जिसको मैं अभी कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा. और आज के बाद मैं फिजिक्स को ही पहला मतलब इसकी जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा. उसके बाद केमिस्ट्री, इसका हिंदी नेम याद रखना है रसायन शास्त्र होता है, और फिजिक्स का हिंदी नाम भौतिक होता है, भौतिक शास्त्र. और केमिस्ट्री का हो जाएगा रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का हो जाएगा जीव विज्ञान. सबसे पहले ये जो फिजिक्स है वह फिजिक्स कहाँ से आया, तो फिजिक्स आया है, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है फ्यूजिस. ये जो है फ्यूजिस, इससे फिजिक्स निकला है. उसके बाद केमिया का मतलब होता है केमिकल, और इस चीज़ की जानकारी जो है केमिस्ट्री में हम लोग लेने वाले हैं. और बायोलॉजी में दो शब्द है बायोस और लोगोस, ये दो शब्द मिलकर के बायोलॉजी बनता है, जो ये दोनों ग्रीक वर्ड्स के मतलब वर्ड्स हैं कह सकते हैं. और इसका मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है जीव विज्ञान, जैव कह सकते हैं एक तरह से, या फिर सजीव कह सकते हैं एक तरह से. और लोगोस का मतलब होता है जानकारी, ठीक है, मतलब सजीव के बारे में जानकारी. तो इस पार्ट्स को हम कहेंगे बायोलॉजी. यहाँ से हम लोग एक टॉपिक इसी को देख लेते हैं, इसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, लर्न अबाउट द नेचर और होल यूनिवर्स. मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में या फिर पूरे नेचर के बारे में जो हम लोग जानकारी लेते हैं जिस साइंस के पार्ट से, उसको कहते हैं फिजिक्स. उसके बाद केमिया, केमिकल भी बहुत सारे होते हैं, उसका जो हम लोग जानकारी लेंगे वह पार्ट केमिस्ट्री कहलाएगा. और बायोलॉजी जो है वह बायोलॉजी में हम लोग जितने भी टू लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स का मतलब सजीव वस्तुएं या सजीव चीज़ कह सकते हैं. सजीव क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होता है कि सबसे पहले जानते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे प्लांट है, पेड़ पौधा है, और जितने भी एनिमल्स हैं, पर्सन्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, छोटे मोटे से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स तक, वह सब लिविंग थिंग्स कहलाएंगे. क्योंकि यह जो है लिविंग थिंग्स, मतलब ये जो है सजीव है, इसीलिए क्योंकि यह श्वसन की क्रिया करता है, ब्रीदिंग सिस्टम्स करता है. उसके बाद इसमें स्थानांतरण होती है. स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ, स्थान में बदलाव, स्थान का अंतर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जा सकते हैं. और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि पेड़ पौधा जो है एक स्थान से दूसरे स्थानों तक तो नहीं जाता है, लेकिन अभी आपने बताया जो प्लांट्स है या फिर ट्री है वह अभी बताए आपकी लिविंग थिंग्स है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है. तो रीज़न इसके पीछे ये है कि मैंने बोला श्वसन की क्रिया कर सकता है, तो सही बात है कि प्लांट और ट्री, पेड़ पौधा जिसको हम कहते हैं,
ये क्या होता है, श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद ये अपने स्थान में तो बदलाव नहीं करते, लेकिन जैसे यह छोटे पौधे को हम लोग क्या करते हैं, छोटे सीड्स को हम लोग अगर बोते हैं तो वह धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। इसका मतलब उसके हर एक बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ क्या है, मोशन चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ गति चल रही है। इसी के वजह से हम उसको कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। और इसके हम लोग तीनों पार्ट्स के अलग अलग फादर्स को जानते हैं, ऐसे भी पता होगा, फादर मतलब पिता, जनक मतलब जनक कौन होते हैं, जिससे उत्पत्ति होती है कोई भी चीज़ की। तो किसने बताया सबसे पहले, फिजिक्स को। फिजिक्स का एक मतलब वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इज द फुल नेम ऑफ न्यूटन, यू कैन ऑल्सो सेड न्यूटन इन शॉर्ट फॉर्म। सर आइजैक न्यूटन जो होता है इसका पूरा नाम है, और यही बताए थे कि फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। अभी हम कुछ देर बाद चर्चा करेंगे, चाहे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताए क्या, एंटोइन लेवोजियर, लेवोजियर एंटोइन लेवोजियर इज द फुल नेम बट लेवोजियर इज द शॉर्ट नेम। लेवोजियर एंटोइन लेवोजियर बोथ आर द सेम पर्सन, दोनों क्या है, सेम पर्सन है। अगला है बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो फादर है, जनक है कह सकते हैं, उसका नाम है अरस्तु, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और इसी को कभी कभी एरिस्टोटल नाम से जानते हैं, एरिस्टोटल हिंदी में हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं इसको। और ये जो अरस्तु है पूरे साइंस के बारे में सबसे पहले यही बताया था, फिर जाकर के अलग अलग पार्ट हुआ तो फिर अलग अलग व्यक्ति उसमें से निकले साइंटिस्ट सब, और वह जाकर के अपनी जानकारी को पेश किए। कुछ बेसिक जानकारी थी साइंस के बारे में, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक्स फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि ये फिजिक्स होता क्या है, इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही है इस वीडियो में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, जहाँ भी हो कर सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमसे जुड़े रहें। और अब तक के लिए धन्यवाद।